हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। जैसे आप जानते हैं आपकी क्लास नाइन्थ में आपका जो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, इसमें डिफरेंट माइक्रोब से होने वाले डिजीज़ के बारे में है। तो वायरसेस हम लोग पढ़ चुके हैं और आज से जो स्टार्ट कर रही हूँ मैं वो है बैक्टीरियल डिजीज़। तो बच्चों सबसे पहले जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ आप जानते हैं किसकी वजह से होती हैं, ड्यू टू बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया भी क्या है, एक माइक्रोब है। तो जो बैक्टीरिया है बेटा, इससे भी बहुत सारे डिजीज़ होती हैं। इनमें से कुछ कॉमन एग्जांपल हैं आपके टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, आपका टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं आपके बैक्टीरियल डिजीज़ के। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्यूबरक्लोसिस, या जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में टीबीबी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, जो ये ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है ये किसकी वजह से होती है, इट इज़ कॉज बाय अ बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, टीबी डिजीज़। और इस डिजीज़ के बारे में सबसे पहले, या हम कहेंगे जो डिस्कवर्ड किया है इसको, ट्यूबरक्लोसिस को, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच इन 1882 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और इसके लिए इन्हें जो है 1905 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब देखिए बेटा, जो ये ट्यूबरक्लोसिस जो डिज़ीज़ है ये किस तरह से कम्युनिकेट होती है, कैसे एक से दूसरे तक पहुंचती है, ये डायरेक्टली भी जा सकती है, डायरेक्टली यानी कि जैसे कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है या हम कहें टीबी का पेशेंट है, बात करते हुए सामने अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसकी बॉडी तक ये टीबी का जो माइक्रोब है ये पहुँच सकता है। जैसे मान लीजिए ये पेशेंट है जिसको क्या है, टीबी डिज़ीज़ हो रखी है और इसके लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया हो सकता है, तो जब ये बात करेगा तो इधर से यहाँ तक माउथ से जो ड्रॉपलेट्स जो निकलेंगी उनमें क्या हो सकते हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। और सामने वाला अगर इसको इनहेल कर रहा है, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं बाय एयर के जो हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुँच जाती हैं, तो इसको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक तो ये डायरेक्ट फैल सकती है और दूसरा इनडायरेक्टली भी फैलती है। बेटा इनडायरेक्टली कैसे फैलती है, जैसे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं हमारे, स्पेशली कैटल्स, अगर उनको ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ है या टीबी उन्हें है कैटल्स को, और उनका दूध ऐसे ही पी लेते हैं बिना बॉयल किए हुए, तो क्या हो सकता है, ऐसे इंसान को भी टीबी हो सकती है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बच्चा जो है डायरेक्ट जो है कहाँ क्या ले रहा है, मिल्क ले रहा है कैटल से बिना बॉयल किए हुए, ऐसे ही ले रहा है, तो इससे क्या हो सकती है बेटा, टीबी की डिजीज़ हो सकती है अगर हम दूध ऐसे कच्चा ही पी लेते हैं ऐसे एनिमल का जिसको टीबी है। तो ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है, पता तो नहीं चल रहा, बट इस तरह से ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो ये ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है कितने ऑर्गन को अफेक्ट करती है, कहाँ कहाँ हो सकती है। देखिए ये जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है, वैसे तो मेनली ये लंग की डिजीज़ है, लंग्स डिजीज़ है, जैसे हमने पहले की जो स्लाइड है उसमें भी दिखाया, लेकिन फिर भी सबसे पहले तो इफेक्ट लंग को करेगी, लेकिन वहाँ पे अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो इसके बाद ये हमारे अदर ऑर्गन्स तक भी पहुँच सकती है, हमारे स्पाइन तक पहुँच सकती है, लिम्फ नोड तक पहुँच सकती है, लिम्फ टीबी जब हो जाता है, बोन टीबी हो जाता है, बोन्स तक पहुँच सकती है, लैरिंग्स तक पहुँच सकती है, ठीक है, किडनी तक भी पहुँच सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, या जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। वी कैन से टीबी कैन अफेक्टेड ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज लंग्स, लिम्फ ग्लैंड्स, बोन्स, इंटेस्टाइन, कुछ भी जो ऑर्गन्स हैं हमारे, मेनली सारे ऑर्गन को ये अफेक्ट कर सकती है। अब बात आती है फैलता कैसे है, हाउस टीबी स्प्रेड कैसे फैलता है बेटा। अब देखिए कैसे फैलेगा, हमने कहा कि किसी के लंग्स में अगर टीबी का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, तो जब वो बात करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग टॉकिंग, बात करते हुए वो ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में आ सकती हैं, हंसते हुए आ सकती हैं, कफिंग जब वो कफ कर रहा है तब आ सकती हैं, स्नीजिंग छींक रहा है, स्पिट
थूकता है अगर कहीं पे, वहाँ पे बैक्टीरिया हो सकते हैं, सिंग गा रहा है, या कुछ भी ऐसे जो एक्टिविटी हैं जो माउथ से जितनी चीज़ें हम कहते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, ठीक है, सारी जो चीज़ें हैं जो माउथ से परफॉर्म हो रही हैं, जो फंक्शंस हमारे, तो उनकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। अगर किसी को है तो उससे दूसरे तक ये फैल सकती है, हम कह सकते हैं कि ये टीवी जो है स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड का मीनिंग होता है बेटा कि कितने टाइम में पता चलेगा भाई कि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पहुंच गया है। जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है, मान ले ये पेशेंट है और इससे इसकी बॉडी में चली गया, तो कितने दिन बाद पता चलेगा भाई कि टीबी हो गई है हमको। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इसमें क्या हो सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, इट इंक्लूड अ फ्यू वीक्स टू अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल भी लग सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये सोया हुआ भी रहता है ये बैक्टीरिया इधर, ठीक है, पर एक्टिव भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड सब में ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब ये बैक्टीरिया बॉडी में पहुंच गया, मान लो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की हमने बात की, ये बैक्टीरिया बॉडी में पहुंच गया, तो ये किस तरह से लंग्स को डैमेज करता है बच्चों, ये एक केमिकल रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, इट रिलीज अ केमिकल विच इज कॉल्ड ट्यूबरकुलिन। इस केमिकल को हम कहते हैं ट्यूबरकुलिन, और ये जो ट्यूबरकुलिन है ये क्या करने लगता है, लंग्स की सेल्स को डैमेज करने लगता है। हमारी जो लंग्स की सेल्स हैं उनको क्या करने लगेगा, ये डैमेज करने लगेगा, और वहाँ पे इस तरह से डैमेज करके भी ऐसा हमारा जो है लंग हो सकता है, ठीक है। वो जो स्पॉट है हमें यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं इस तरह से स्पॉट इसमें हो सकते हैं, अलग अलग स्पॉट इसमें हो सकते हैं, किसकी वजह से हो जाएंगे, ये ड्यू टू ट्यूबरकुलिन, जो ये ट्यूबरकुलिन जो केमिकल है उसकी वजह से। और ये जो स्पॉट है किस में पता चल जाते हैं, एक्सरे, जो फोटोग्राफ्स हम करते हैं तो एक्सरे में पता चल जाता है कि टीबी है या नहीं है, या कितना हो गया है, कितना स्प्रेड हो गया, कितना फैल गया है बॉडी में, क्योंकि जो ट्यूबरकुलिन है जितना ज़्यादा बनता रहेगा तो आप समझ सकते हैं सेल्स उतनी ज़्यादा क्या होती रहेंगी, डैमेज होती रहेंगी, और ये होल बढ़ता चले जाएगा। और अगर ये टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, ये जो टीबी है ये बेटा बोन तक भी जा सकती है, बोन टीबी हो सकती है, इससे पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि इंसान की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज हो सकती है, हमारी लिम्फ टीबी भी हमें हो सकता है, लिम्फ ग्लैंड्स स्वेलप हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका टाइमली ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। अब भाई पता कैसे चले, कुछ तो सिम्टम्स होंगे ना टीबी के कि जिससे पता चलेगा कि टीबी है, तो क्या सिम्टम्स होते हैं। एक्चुअली ऐसे जो लोग हैं उन्हें काफ़ी लंबे समय तक खांसी होती है, एक महीने से ऊपर तक कफ अगर है तो ट्यूबरक्लोसिस की क्या करनी चाहिए, जांच करवा लेनी चाहिए। दूसरा क्या सिम्टम्स है, खांसी तो है, उसके साथ साथ क्या निकल रहा है, जो कफ है बन रहा है ड्यूरिंग कफिंग, ब्लड भी उसमें इंक्लूड है, ब्लड भी आ रहा है, ठीक है। फीवर रहना स्पेशली इन नाइट, रात को बहुत, चेस्ट में पेन होना, क्योंकि भाई अब लंग्स में ट्यूबरकुलिन रिलीज हो रहा है, हमारे लंग्स डैमेज हो रहे हैं तो पेन तो होगा ही, चेस्ट पेन होना, ठंडा लगना, वेट लॉस होना, ये सबसे बड़ा ये है कि अगर इतने सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, खांसी भी हो रही है, जो कफ है उसमें खून भी आ रहा है, रात को फीवर भी हो रहा है, चेस्ट में पेन भी हो रहा है, ठंडा भी लग रहा है, जो खाना है हमारा जो डाइट है वो भी रिड्यूस हो गई है, मन भी नहीं कर रहा है, फैट यू यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट हम कह सकते हैं, भूख नहीं लगना, और भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा भाई, खाना नहीं खाएगा इंसान का तो वेट लॉस होगा ही, और रात को पसीना आना, ठीक है। ये सारे क्या हैं, दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ टीबी, ये सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चों। और अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो तुरंत किसके पास जाना चाहिए, किससे कंसर्न करना चाहिए, हमें डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, ठीक है। अब टीबी मैंने कहा लंग्स में तो होती है, लेकिन कभी कभी ये जो टीबी है ये कहाँ हो जाती है बेटा, लिम्फ ग्लैंड्स में। ये बहुत सारे लोगों की जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, आप जानते हैं हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी रन करता है, और ऐसी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारे लोगों के देखे होंगे अपने गले में ऐसी गांठें बन जाती हैं, ये लिम्फ टीबी के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ऐसी गांठ बनना क्या है, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ लिम्फ टीबी, लिम्फ टीबी ये हो सकती है। और जो है क्या है, हमारे जो टॉन्सिल्स हैं वो भी लिम्फ ग्लैंड है एक तरह से, ठीक है।
तो हमारी बॉडी में क्या है, जैसे टॉन्सिल्स के जैसे और भी छोटी छोटी गांठें हैं। आप 10th क्लास में जाएंगे, देन यू विल लर्न अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। अभी बस ये समझ सकते हैं कि जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं वो स्वेलअप हो जाती हैं, और क्या हो सकता है, लिम्फ TBV हो सकता है। अब कैसे बचें, ठीक है, किस तरह से बच सकते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे हम लोग तो अपने आप को बचा सकते हैं, और बचाना चाहिए हमें अपने आप को, क्योंकि हम जानते हैं प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम अपने आप को बचा के रखेंगे, ठीक है, तो हमें कभी बीमारी पकड़ेगी ही नहीं। तो क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है जो ओवर क्राउडेड जो एरिया है, भीड़ भाड़ वाली जो जगह हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर वहाँ पे कोई मान लो TB का पेशेंट है, उसने कफ किया है, कफिंग ड्यूरिंग कफिंग स्नीजिंग ड्रॉपलेट्स अगर उसकी आ गई एटमॉस्फेयर में, तो वो जो TB का बैक्टीरिया है लगभग 8 आवर्स तक जिंदा रहता है एटमॉस्फेयर में, और 8 घंटे तक अगर कोई जाएगा नहीं वहाँ, क्या सोचिए। तो अगर हम बाई चांस वो जो ड्रॉपलेट है हमने उसको इनहेल कर दिया और हमारे लंग्स तक पहुंच गया, तो वो क्या कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहला तो प्रिवेंशन यही है कि जो ओवर क्राउडेड जो एरिया है उनसे हम लोग बचें। इसके अलावा जो TB का पेशेंट है वो उसको कैसे जगह पे रखना चाहिए बेटा, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, जहाँ पे एयर साफ हवा आती रहे जाती रहे, ठीक है। और हम लोगों को भी ऐसी जगहों पे रहना चाहिए जहाँ पर हमारे घर हैं या कहीं पे भी हम रह रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन ज़रूरी है, हवा जो है एयर पास होने के लिए जगह होनी चाहिए। इसके साथ साथ किसी भी बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग क्या करें, प्रॉपर डाइट लें, बेटर न्यूट्रिशन जो है हेल्प टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़। किसी भी डिजीज़ की होने की जो संभावना है बेटा वो कम हो जाती है अगर हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं। न्यूट्रिशन आप समझते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि इफ़ यू आर टेकिंग राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट, ठीक है, रफेज, ये सारी चीज़ें अगर हम ले रहे हैं तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, वो बचाएंगे नहीं बीमारियों से, वो सिर्फ टेस्ट के लिए हैं, ओके। लेकिन ये सारे प्रिवेंशन रखने के अलावा और कोई बेस्ट, इस सबसे अच्छा तरीका है, बिल्कुल, दैट इज़ वैक्सीन। आप जानते हैं वैक्सीन क्या होती हैं, वैक्सीन हमें बीमार होने से रोकती है, हमारी इम्यूनिटी को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। तो TB के लिए भी वैक्सीन बनी हुई बेटा, दैट इज़ द BCG, जिसे हम कैसे कहते हैं, बैसिलस क्लामिडोगुरिन, ये आपका वैक्सीन का नाम है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वैक्सीन की पिक भी मैंने लगाई है, ये जो वैक्सीन है इसको ले सकते हैं। और ये कम से कम जो है, जो ये वैक्सीन है ये प्रिवेंशन देती है 3 to 5 years तक, एक बार ले ली तो 3 से 5 साल तक इससे बच सकते हैं। और ये वैक्सीन कैसी ली जाती है, बॉडी में इसको इंजेक्ट कराया जा सकता है, इंजेक्शन की हेल्प से हम इस वैक्सीन को ले सकते हैं। अब फिर भी हो गया, ये सब कुछ रखा हमने, प्रिवेंशन हो गया, तो फिर इसके लिए क्या है बेटा, हमारे पास जो है कुछ ड्रग्स हैं या कुछ मेडिसिन्स हैं जिनको लिया जाता है किसमें, ट्यूबरक्लोसिस में। कौन कौन सी हैं, आइसोनाइजाइड है, रिफम्पकिन है आपका, पायरेनाजियामाइड है, इथामाब्यूटॉल है आपका, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, थाइनोएसिटोजोन है, ये अलग अलग जो आप देखेंगे ये डोसेस ली जाती हैं अलग अलग एज पे, डेली कितनी लेनी चाहिए, कितने साल के बच्चे हैं, कितने वीक के हैं तो उन्हें कितना लेना चाहिए, ये पूरा चार्ट आपके स्क्रीन पे बना हुआ है। तो ये क्या है, दीज आर द सम ड्रग्स विच आर यूज इन टू प्रिवेंशन, और वी कैन से टू क्योर द TB डिजीज़, TB डिजीज़ को जो क्योर करती हैं। बट ये ड्रग ऐसे नहीं कि मैम ने बोला है और इसमें लिखा है तो हम ऐसे ही ले लें, ये जो ड्रग्स हैं हमें कब लेनी चाहिए, आफ्टर दी, जब हमारे जो डॉक्टर हैं हमें क्या करें, जब प्रिस्क्राइब करें, आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हमें ये लेनी चाहिए। तो जो TB है, जो ये मेडिसिन ली जाती हैं बेटा, तो हम इसको क्या कहते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी या ATTB इसे हम कहते हैं, इससे हम बच सकते हैं। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है बच्चों, ये क्या है, इट इज़ अ सीरियस एंड डेडली इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। ये यूजली लगभग किस चीज़ को अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा, हमारे लंग्स को,
और आज पूरी दुनिया में काफ़ी सारे लोगों की इससे डेथ भी होती है, बट हम इससे बच सकते हैं। और किससे ये फैलती है? एयर से फैलती है। कैसे बचना है ये आप सब अब जान चुके हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी नॉलेज इससे मिला होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चा।